Hi guys, welcome to the Twin Flame Now channel. How are you all? So आज हम एनर्जी अपडेट देखेंगे. मर्करी रेट्रोग्रेड का सबके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, ये सब आ रहा है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट ये डाउट्स ऊपर आए ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए, राइट? तो ये आप डिवाइन फेमिनिन भी हो सकते हो जो ये वीडियो देख रही हो, और ये डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हो. मैं यूजुअली किसी एक स्पेसिफिक के लिए नहीं करती हूँ, बट दिस डिपेंड्स ऑन कि आप कितना रिसेप्टिव हो. और अगर ये वीडियो रेजोनेट नहीं कर रही है तो इसको आप कंटिन्यू मत करिए. ओके. और ज़रूरी नहीं है सब रीडिंग्स और सब वीडियोस हमारे साथ रेजोनेट करें. तो देर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन योर लाइफ. और आप जो आपने अचीवमेंट करी है आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं. जो आपने लूज़ करा है, जो आपने खोया है, आपका ध्यान उस लॉस की तरफ ज़्यादा है, जबकि आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए जो आपने अचीव किया है और जो आपकी लाइफ में अभी बाकी है. और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं इस वजह से. और कोई मैच्योर इंसान, फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में है जो आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रही है. फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में कोई है, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल कह सकते हैं, जो आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रही है इस टाइम पे, एट दिस मोमेंट. और आप उनको अपना गुरु कह सकते हैं, और जो भी माने वो कह सकते हैं. और एक नई आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या एक आप नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या आप एक नई मैरिड लाइफ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं. इनमें से कुछ भी हो सकता है. तो अब हम आपके काउंटर पार्ट का देखेंगे. मैं एनर्जी मैं ये वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहती, क्योंकि जितना आप इस एनर्जी में रहोगे उतना आपको लैक फील होगा. तो आपके आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनको इस टाइम पे बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है. सी, दे आर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स. दे आर गेटिंग अ डायरेक्ट गाइडेंस. उनको डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है एंजल्स से. और कहीं ना कहीं जो उनको गाइडेंस मिल रही है, पर उनका ध्यान कहीं और है. आई डोंट नो, आप देख सकते हैं कि नहीं, उनका ध्यान कहीं और है. वो भी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो पीछे छूट गए हैं. उनका ध्यान कम्प्लीटली इस जर्नी पे अभी एट प्रेजेंट नहीं है. और काफ़ी टाइम से किसी तरह की अचीवमेंट आपके काउंटर पार्ट अचीव करना चाहते थे. हो सकता है वो बहुत टाइम से सोच रहे हैं शादी करने का, तो उसमें उनको सक्सेस हासिल हुई है. और हो सकता है वो बहुत टाइम से सोच रहे हो एक टारगेट अचीव करने का, उसमें उनको सक्सेस हासिल हुई हो. और दे आर फीलिंग लाइक अ विक्ट्री एट दिस मोमेंट. दे आर फीलिंग लाइक के
और मैंने बहुत बड़ी चीज़ कोई अचीव करी है, राइट। तो वो इस टाइम सक्सेस की एनर्जी में है और बहुत हैप्पीली उसको इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत अगर आप इस कार्ड को देख पाएँ तो बहुत ब्लाइंडली भी इंजॉय कर रहे हैं, वो हैप्पीली भी कर रहे हैं, बहुत बहुत ब्लाइंडली भी कर रहे हैं। दे आर इन विक्ट्री। और नेक्स्ट कार्ड जो निकला है उनका, वो ये निकला है कि उनको किसी ना किसी तरीके का कोई वहम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो अपनी लाइफ में दोनों एजेस को पकड़ के रहना चाहते हैं, दोनों एजेस को पकड़ के रहना चाहते हैं। मतलब कि वो इधर का भी नहीं छोड़ना चाहते और उधर का भी नहीं छोड़ना चाहते। दे डोंट वांट टू लूज एनीथिंग लाइफ। लाइफ में ऐसा होता है कि हमें एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, बट वो नहीं छोड़ना चाहते। और वो एक बहुत अलग तरीके का एक वहम पाल के किसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं। हो सकता है वो आपको लेकर उनके माइंड में कोई वहम हो, या हो सकता है वो इस रिलेशनशिप, आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर कोई गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्रिएट कर लिया। देखो, जो मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम होता है ना, वो ऐसा टाइम होता है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और आपका माइंड भी स्टेबल नहीं रहता, और ओल्ड पास्ट एक्स से ओल्ड लोग वापस आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं, अगर आपको किसी जगह पे वो अपने माइंड में आपकी कोई इमेज क्रिएट करके बैठे हुए हैं, या वो अपने माइंड में कोई वहम पाल के आपसे रिलेटेड बैठे हुए हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में है, तो बिलीव करिए आपको उनको कुछ भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू क्लियर एनीथिंग, क्योंकि विद टाइम उनको खुद पता लग जाएगा। जब टाइम राइट होगा तो उनको अपने आप पता लग जाएगा। और इस चीज़ से रिलेटेड आपको स्ट्रेस है, आपने बहुत वर्क करा है इस चीज़ पे, तो वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो आपको इस चीज़ का काफ़ी स्ट्रेस है। और आप एक एक करके सारी चीज़ें अपनी लाइफ में धीरे धीरे छोड़ रहे हो। आप कहीं ना कहीं एक एक करके वो सारी चीज़ें, वो सारे जो आपके हाथ में चीज़ें थी, जो डोर थी, जो कंट्रोलिंग था, जो आप कंट्रोल करना चाहते थे हर एक सिचुएशन को, हर एक सर्कमस्टेंस, वो धीरे धीरे एक एक करके आपके हाथ से छूट रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स इस लाइफ टाइम में साथ रहें। जरूरी नहीं है कि आप एज अ लवर साथ रहें। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी तरीके का कोई मैरिड लाइफ, ये 3D मैरिड लाइफ और ये बच्चे और ये सब जो हैं, ये 3D की चीज़ें हैं। अगर आप अपनी लाइफ में डॉट्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो भी, जिस सिचुएशन में भी आप अभी प्रेजेंट में हैं, वो इसलिए आपकी लाइफ में हुई है ताकि आपको फ्यूचर में उसका डॉट्स ज्वाइन करेंगे, फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको किसी तरह की एंसेस्टर हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। एंसेस्ट्रल हीलिंग के वेज आप देखिए ऑनलाइन, आप एंसेस्टर हीलिंग कैसे कर सकते हैं। सीम्स लाइक के आपकी जो ग्रोथ हो रही है उससे आप काफ़ी मेच्योर्ड हो रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत मेच्योर्ड हो रही है इस टाइम पे, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हो। धीरे धीरे स्ट्रेस तो आ रहा है, पर आप कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो। सी डियर वंस, आपको अनकंडीशनल लव अपनी दिल में उनके लिए लाना होगा। जब तक अनकंडीशनल लव नहीं होगा, तब तक आपका सोल मिशन पूरा नहीं होगा। आपका सोल मिशन अनकंडीशनल लव है, उनके लिए ही नहीं, सबके लिए। अपनी लाइफ में आपको अनकंडीशनल लव होना चाहिए, सिर्फ उनके लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो आई थिंक कि
वो जो भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सी, मैंने जैसे पहले बताया था किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में, राइट? तो वो तो टाइम के साथ ही क्लियर होगी, और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जब होती है, जब दूसरा इंसान अपने माइंड में आपसे रिलेटेड कोई एक चीज़ ऐसी क्रिएट कर लेता है जो हम नहीं चाहते हैं, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने मास्टर से गाइडेंस मांग सकते हो और डिटैच हो सकते हो और आप हीलिंग कर सकते हो, प्रेजेंट में रह सकते हो। जितना नाव में रहोगे उतना अच्छा होगा। मुझे हैप्पीनेस मिलती है आप लोगों को जब मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन आप लोगों से शेयर करती हूँ, और मैं जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि वो आगे किसी की हेल्प कर पाए। मेरी हैप्पीनेस मेरी है मुझे इंटरनल हैप्पीनेस ऐसे मिलती है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिलती हो। कई लोगों को बच्चों से मिलके मिलती है, मुझे भी बच्चों से मिलके बहुत हैप्पीनेस मिलती है। तो जो भी आपका पर्पस है और जो भी आपका सोल पर्पस है, आप उसको ढूंढने की कोशिश करिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सेम ही चीज़ बोलता है कि जब आपका ट्विन फ्लेम, आप अपने ट्विन फ्लेम से डिटैच हो जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। ऐसे 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 पॉइंट ऑफ टाइम पे आप दूसरे इंसान को चेंज नहीं कर सकते, उनको खुद ही चेंज होना है, उनको खुद ही लेसन लर्न करने हैं। अगर उन्होंने किसी और से शादी कर रखी है या अगर उन्होंने किसी और से रिलेशनशिप में है, या वो अपना रिश्ता कहीं और ढूंढ रहे हैं, या फिर वो अपनी फैमिली लाइफ में मस्त हैं, तो आप अपने माइंड में ये चीज़ मत सोचिए कि अरे वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, मैं तो इतना वर्क कर रहा हूँ। फिर आप अनकंडीशनल लव में नहीं हैं। आपकी सोल आपको नाउ में, एट प्रेजेंट में वो ही सिचुएशन ला के देगी जो आगे जाके लव में ट्रांसम्यूट होनी है। एंड लास्ट कार्ड इज, सेकेंड लास्ट कार्ड इज, एंजल्स आर विद यू, एंजल्स आर ऑलवेज विद यू। मैंने आर्क एंजल रफेल की बहुत हेल्प ली है इस जर्नी में। जब भी मुझे लगा कि मैं बहुत पेन में हूँ, तो आर्क एंजल रफेल उसी टाइम आके हेल्प करी। लास्ट कार्ड इज ट्विन फ्लेम। सी देर इज एन सी देर इज दे आर गेटिंग मेच्योर्ड, द ट्विन फ्लेम्स आर गेटिंग मेच्योर्ड। यू हैव टू डू एंसेस्टर हीलिंग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अवेकन हुए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंजल्स आर विद बोथ ऑफ यू, राइट? एंजल्स आर विद बोथ ऑफ यू। देर इज अ सर्टन काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। आप आर्क एंजल रफेल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज़ आप इसको क्लियर करने में हेल्प करें। बट आप ओवर ऑब्जेस मत होइएगा। और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड अनकंडीशनल लव, आपको अनकंडीशनल लव अपने ट्विन फ्लेम के लिए, अपनी सराउंडिंग्स में जो भी इंसान है उनके लिए आपको एक अनकंडीशनल लव अंदर से आना चाहिए। जिस दिन मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा पीस में हूँ, उस दिन या तो मैं रीडिंग करती हूँ या फिर मैं आप लोगों के लिए ऑडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो एनर्जी मेरे अंदर है, जो पीसफुल एनर्जी मेरे अंदर है, मैं चाहती हूँ कि वो लोगों के साथ शेयर हो। जितने लोगों के साथ शेयर होगा उतनी उनकी हेल्प करेगा। बिकॉज इट वॉइस इज ऑल्सो लाइक एन हीलिंग, तो आई कैन हील पीपल बाय वॉइस ऑल्सो। बिकॉज जो एम्पैथ्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, उनकी आवाज़ से भी बहुत लोगों की हीलिंग होती है। ओके गाइस, तो आप लोग अपने ऊपर वर्क करिए, अपनी हीलिंग के ऊपर वर्क करिए, प्रेजेंट में रहें जितना ज़्यादा हो सकता है, अपने माइंड्स को, अपने माइंड के थॉट्स को सीरियसली मत लीजिए। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपने लाइक किया हो ये रीडिंग। थैंक यू सो मच।